सब उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। देखिए बीच में 1 वीक तक मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब थी, फीवर कोल्ड कफ के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम केवीएस पेडागोजी की 2nd यूनिट स्टार्ट करवा दीजिए। हमने 1st यूनिट बिल्कुल कंप्लीट कर ली थी, तो 2nd यूनिट का बच्चों को बहुत एगरली वेट हो रहा था, लेकिन सॉरी फॉर दैट क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड करने की सिचुएशन में नहीं थी। अब आप कहेंगे कि मैडम अभी तो केवीएस का पेपर हो चुका है, अब आप वीडियोस किस लिए डाल रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि केवीएस पेडागोजी की जो ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें मैं कुछ और वीडियोस इंक्लूड करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ ताकि जो है आगे आने वाले बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इस सेशन के बच्चों को मैं भी जानती हूँ बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि टीजीटी पीजीटी के पेपर हो चुके हैं, पीआरटी के अभी चल रहे हैं, तो वो भी 1-2 दिन में कम्प्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए आज की इस वीडियो में केवीएस पेडागोजी सीरीज का ये हमारा जो है 15th लेक्चर होगा और यहां से आज मैंने 2nd यूनिट स्टार्ट कर दी है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट से रिलेटेड कोई सब टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। आज इसका जो मेन हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बेसिक बातें बताऊंगी। तो यहां पर टीचिंग और लर्निंग की बात की गई है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैंने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि लर्निंग और थ्योरीज ऑफ लर्निंग से रिलेटेड 21 वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। तो जो प्लेलिस्ट आप खोलेंगे लर्निंग और थ्योरीज ऑफ लर्निंग की, तो उसमें पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की, लर्निंग मैं यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लर्निंग का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर साधारण शब्दों में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक इंट्रक्शन होता है, एक अंत्यक्रिया होती है किसके बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक इंटीग्रल पार्ट होता है किसका, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो टीचिंग जो है उसी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिसमें जो है क्या किया जाता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग, यानी कि बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है, बच्चों की जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके, सुगम हो सके, इस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चों में जो है लर्निंग को इंड्यूस किया जा सके। तो टीचिंग के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, यानी कि नॉलेज को इम्पार्ट करना, नॉलेज को बांटना, साथ ही जो है अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चे में करना। साधारण शब्दों में अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो जैसे ही टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आता है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि भाई एक टीचर है, सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर जो पढ़ा रहा होता है यानी कि उसके बच्चों के साथ जो इंट्रैक्शन हो रहा होता है वो क्या है, वो टीचिंग है। तो एक बहुत ब्रॉड लेवल की बात हम यहाँ नहीं कह सकते, टीचिंग की अगर हम ब्रॉड लेवल पर बात करें तो टीचिंग क्या है कि भाई क्लास में बच्चों की जो लर्निंग है वो इतना इफेक्टिव हो सके, इतना सुगम उनके लिए हो सके, इस तरह का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चे उस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से सीख सके। तो टीचिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए, यानी कि बच्चों के अधिगम या उनकी लर्निंग को कन्वीनियंट, इफेक्टिव, इजी बनाने के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि बच्चे उस इन्वायरमेंट में अच्छे से सीख सके, एक सोशल इन्वायरमेंट टीचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, एक साइकोलॉजिकल प्रिवेस इस तरह का बनाना ताकि बच्चे जो है जिज्ञासु हो जाए, क्यूरियस हो जाए सीखने के। तो टीचिंग क्या होती है, टीचिंग जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच एक इंट्रैक्शन होता है जहां पर टीचर जो है बच्चों को उनके गोल की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, क्योंकि टीचिंग को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट, अलग अलग स्कॉलर्स ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है, बहुत सारी डेफिनेशंस बुक्स में आप लोगों को टीचिंग की मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारा मेन मकसद टीचिंग की डेफिनेशन को इंक्लूड करना नहीं है, मेन है हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक डेफिनेशन इंक्लूड की है, टीचिंग क्या होती है, जो कि मॉरिसन के द्वारा दी गई है, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन, यानी कि मोर मेच्योर पर्सनैलिटी और लेस मोर पर्सनैलिटी के बीच एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट होता है, एक इंट्रैक्शन होता है जहाँ पर जो
मोर मेच्योर पर्सनैलिटी है, यानी कि ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति है, वो कम नॉलेजेबल व्यक्ति को नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश कर। तो देखिए, अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो टीचिंग को जो है तीन मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, यानी कि तीन तरह से टीचिंग को डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है ऑथोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा डेमोक्रेटिक और तीसरा है लेजिस्फेयर। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऑथोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो टीचिंग होती है वो मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है, यानी कि टीचर जो कुछ बच्चों को समझाता है बस बच्चे उसको एज इट इज रट लेते हैं, एज इट इज तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो मेमोरी लेवल की टीचिंग इसमें होती है। फैक्चुअल टीचिंग की हम बात करते हैं, फैक्चुअल चीजें यहाँ पर होती हैं और इसमें जो है जो क्या होता है, दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट्स एंड एटीट्यूड्स इन द स्टूडेंट्स, यानी कि ये बहुत ही लोअर लेवल की टीचिंग हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में थॉट्स और एटीट्यूड का डेवलपमेंट नहीं होता। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डेमोक्रेटिक, यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें जो है टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर टीचर का रोल जो होता है वो एक ऑथोरिटेरियन या डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एक टीचर एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल पैसिव नहीं होते, वो टीचर से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, टीचर उनको ईजिली वो सब क्लियर करता है। साथ ही अगर बच्चों को लगता है कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो टीचर को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्फेयर। तो देखिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होती है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग की यहाँ पर हम बात करते हैं। इस लेवल में जो टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं। टीचर का जो रोल होता है वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की तरह नहीं होता है कि टीचर ने जो कुछ बताया बच्चों ने समझ लिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों पार्टिसिपेंट होते हैं और इस लेवल की जो टीचिंग होती है वो क्या करती है, इनसाइट पैदा करती है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई बहुत भयंकर वाला दबाव बच्चों के ऊपर नहीं होता, बच्चे जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट वो काम भी कर सकते हैं, टीचर से जहां पर उनको मदद की जरूरत होती है टीचर वहां पर बच्चों की मदद भी करते हैं। तो देखिए, टीचिंग को तीन मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, ठीक है। तो इन तीन पॉइंट ऑफ व्यू से टीचिंग होती क्या है ये अभी हमने देखा। अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ टीचिंग की, यानी कि नेचर भी कह सकते हैं या करैक्टरिस्टिक्स भी हम कह सकते हैं, दोनों मिलते जुलते होते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी टीचिंग की, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर बच्चे का विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ज्यादातर हम बात करते हैं, और लर्निंग होती है, डेवलपमेंट और लर्निंग होती है। टीचिंग के द्वारा बच्चे के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, ठीक है, चेंजेस तो आते ही हैं। टीचिंग आर्ट एज वेल एज साइंस, साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिकली होता है, लॉजिकली होता है, तो इसको साइंस कहा गया है। आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि पढ़ाना भी कला होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको आर्ट एज वेल एज साइंस कहा जाता है। टीचिंग को ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, अलग अलग नई नई तरह की तकनीक का यूज करके हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तरीके से हम चीजें करवा सकते हैं। टीचिंग क्या होती है, मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल की, यानी कि तीन लेवल होते हैं टीचिंग के, कौन कौन से, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तीन लेवल पर टीचिंग होती है। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक कॉन्टिन्यूम है किसका, यानी कि टीचिंग में और क्या क्या शामिल होते हैं, किस तरह से और बच्चों को शिक्षण दिया जा सकता है, उनकी टीचिंग की जा सकती है, तो ये टीचिंग के ही एक तरह से पार्ट हम कह सकते हैं। ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। तो ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल स्किल्स उसमें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग हो गई या बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को सिखाना। कंडीशनिंग में क्या होता है, किसी चीज़ का बार बार उसको रेपिटेशन करवाया जाता है, बार बार अभ्यास करवाया जाता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे किसी पढ़ाते टाइम टीचर इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। और इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, यानी कि अपने विचारों को दूसरों पर थोपना। तो ये एक बहुत अच्छी तरह की टीचिंग, हम इसको इंडोक्ट्रिनेशन को नहीं मानते हैं, यानी कि दूसरे वाले को तब तक कन्विंस किया जाता है कि भाई वो उसकी बात को मान ना ले, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ की यहाँ पर हम बात करते हैं। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच। टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। तो टीचिंग जो है एक सोशल प्रोसेस होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जो सोसाइटी में ही होती है, सोसाइटी के लिए ही होती है, ठीक है। तो ये थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि इसको हम फेजेस भी कह सकते हैं या स्टेजेस भी कह सकते हैं या टीचिंग के स्टेप्स भी हम कह सकते हैं। तो तीन स्टेप्स, तीन फेजेस की हम बात करते हैं, कौन कौन से।
एक्टिव फेज, इंट्रैक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, इन तीनों ही फेजेस को मैं आप लोगों को वन बाय वन बता देती हूँ। तो देखिए, जब प्री एक्टिव फेज की बात अगर हम करते हैं तो प्री एक्टिव फेज में क्या होता है, प्री एक्टिव फेज टेक प्लेस बिफोर द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग इन नोन एज प्री एक्टिव फेज। यानी कि जब टीचर जो है क्लास में इंटर करने से पहले जो कुछ तैयारी करती है, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर जब पढ़ाने आती हूँ तो उससे पहले की जितनी भी प्रिपरेशन होती है, मैं पीपीटी बनाती हूँ, किस तरह से मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या मुझे डालना है, किस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये सारी चीजें यानी कि जो भी प्रिपरेशन आती है वो किस में आती है, प्री एक्टिव फेज में आती है। ठीक है, लेसन प्लानिंग बनाना या मतलब क्या क्या मटेरियल रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे टीचिंग के, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, प्री एक्टिव फेज में। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव फेज। तो देखिए, जब मेरा जो प्लानिंग हो जाता है उसके बाद जब मैं वीडियो बनाती हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों से आकर इंटरेक्ट होती हूँ, तो ये क्या है, इंटरेक्टिव फेज है। लेकिन हमारा जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिव फेज की जब हम बात करते हैं तो कौन सी होती है, जब टीचर क्लास में इंटर करती है, बच्चों से फेस टू फेस इंटरेक्ट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव फेज कहा जाता है। इसमें क्या करती है, इन स्टेज में टीचिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि प्लानिंग के दौरान प्री एक्टिव फेज में उसने जो जो तैयारी की थी वो टीचर उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन का काम होता है और टीचिंग का जो भी सक्सेस और फेलियर रहेगा वो इसी स्टेज पर डिपेंड करता है कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद है पोस्ट एक्टिव फेज। तो देखिए, पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, ये ऐसी फेज होती है जहां पर टीचर अपनी टीचिंग को एनालाइज और इवेल्यूएट करती है कि भाई मैं जो कुछ बच्चों को पढ़ाकर आई हूँ क्या बच्चों को वो समझ भी आया कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या करती है, बच्चों से क्वेश्चंस के द्वारा, बच्चों के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके या क्विज के द्वारा या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके बच्चों से जानने की कोशिश करती है, यानी कि कुछ फीडबैक वो लेना चाहती है ताकि उसको पता चले कि उसने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये एक तरह से इवोल्यूशन की स्टेज हम इसको कह सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, सबसे पहले जब मैं प्लानिंग करती हूँ वो मेरा प्री एक्टिव फेज है, इंटरेक्ट होती हूँ आप लोगों से वो इंटरेक्टिव फेज है, और लास्ट में मैं आप लोगों को बोलकर जाती हूँ कि भाई आप लोगों को ये कैसा लगा, ये टॉपिक आपको समझ आया कि नहीं, आप अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे फीडबैक मिल सके। तो वो क्या है, वो पोस्ट एक्टिव फेज है, क्योंकि मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो पढ़ा भी रही हूँ बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये थी फेजेस ऑफ टीचिंग। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए, अगर हम वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो तीन तरह के वेरिएबल्स की बात करते हैं, तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के। कौन कौन से, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, टीचर, यानी कि टीचर क्या होती है, एक ऑथोरिटेरियन फिगर की तरह होती है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसा वो बच्चों को पढ़ाती है बच्चे उसको वैसा का वैसा क्रैम या रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्टिविटीज वो प्रोवाइड करती है वो क्या है, टीचर करती है, तो टीचर बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट बिल्कुल टोटली टीचर पर डिपेंड है, जो भी टीचर बच्चों को पढ़ा कर जाती है उसको वो एज इट इज करने की कोशिश करते हैं। तो टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि टीचर के द्वारा जो कुछ कराया जाता है वो इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जो भी कंटेंट और मेथडोलॉजी अपनी चीज को पढ़ाने के लिए यूज की जाती है वो होते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आ जाता है कंटेंट एंड मेथडोलॉजी, यानी कि किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, आप किस तरह से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सारी चीजें किस में आएंगी, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में। तो ये तीन तरह के वेरिएबल्स की टीचिंग में हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की कितनी फॉर्म्स होती है। तो देखिए, तीन फॉर्म्स होती है टीचिंग की, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल टीचिंग क्या होता है, तो देखिए, अगर फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये एजुकेशन में भी आपने टाइप्स में पढ़ा होगा, इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं या फॉर्म्स ऑफ टीचिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो तीन फॉर्म्स होती है टीचिंग की। फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, फॉर्मल टीचिंग का मतलब होता है क्लासरूम की जो टीचिंग होती है उसको हम फॉर्मल टीचिंग कहते हैं, यानी कि इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है कि सारी चीज़ें फॉर्मली होती हैं, यानी कि जब आप पढ़ाई कर लेते हो, आपकी स्कूलिंग कॉलेज हो जाती है, तो उसके बाद आप लोगों को एक डिग्री और डिप्लोमा भी मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्मल टीचिंग होती है। नॉन फॉर्मल टीचिंग में क्या होता है कि भाई क्लासरूम इंट्रेक्शन नहीं होता, फेस टू फेस इंट्रेक्शन नहीं होता, कॉरस्पॉन्डेंस जो टीचिंग होती है, जो बहुत तरह की यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं जैसे इग्नू वगैरह है, जो कॉरस्पॉन्डेंस के द्वारा पढ़ाई होती है वो क्या होती है, वो नॉन फॉर्मल टीचिंग होती है, जिसमें क्लासरूम में फेस टू फेस इंट्रेक्शन नहीं,
होता, लेकिन जो भी डिग्री और डिप्लोमा होगा वो यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है, जो इनफॉर्मली हम अपने फ्रेंड सर्कल, पेरेंट्स, दूसरे लोगों से हम सीख लेते हैं, यानी कि कहीं पर भी हम जा रहे हैं वहां से भी हमें कुछ चीज की नॉलेज हो जाना, ठीक है। इनफॉर्मल तरीके से जो चीजें हम सीखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल टीचिंग। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की, यानी कि देखिए टीचिंग की जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने डिटेल में मेन मेन पॉइंट्स डाले हुए हैं, वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझने हैं, क्योंकि लेवल्स ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो ये टीचिंग का जो टॉपिक है ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा जितनी भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तीन तरह के लेवल्स की हम बात करते हैं। मेमोरी लेवल, ये किसके द्वारा दिया गया है, एक तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हुंट के द्वारा की गई है, ठीक है। तो तीन लेवल्स हैं, तीनों ही लेवल्स को मैं आप लोगों को वन बाय वन बता रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल। देखिए मेमोरी लेवल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल की बात किसके द्वारा की गई है, हर्बर्ट के द्वारा की गई है। ऑब्जेक्टिव्स इस लेवल के क्या रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें मेमोरी लेवल की, तो इसमें सिर्फ बच्चों को इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट किया जाता है, नॉलेज को सिर्फ दिया जाता है, ठीक है, किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग यहां पर नहीं होती। तो जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उसका जो नेचर होगा वो फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल नॉलेज बच्चों को दी जाती है, एक मैकेनिकल प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं, जहां पर मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग की बात हम करते हैं। तो इस तरह की जो ये जो मेमोरी लेवल है ये ज्यादातर छोटी क्लास के बच्चों के लिए बेहतर होता है, यानी कि जैसे बच्चों को कुछ भी चीज मेमोराइज करवाई जाती है, हर चीज को वो क्रिटिकली नहीं सोच पाते, तो छोटे बच्चों के लिए मेमोरी लेवल अच्छा होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब आप छोटी क्लास में थे तो हमें, मुझे तो याद है कि हमें पहाड़े बहुत अच्छे से रट्टे लगवाए जाते थे, यानी कि 2 से लेके 20 तक के पहाड़े बहुत अच्छे से लर्न थे, तो वो क्या है, वो मेमोरी लेवल है। टीचर डोमिनेटिंग मेथड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जैसे ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन और आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि टीचर का अहम रोल है तो वही उसी तरह के मेथड्स यूज करेंगे। ड्रिल का मतलब बार बार प्रैक्टिस करवाना, क्वेश्चन बार बार पूछना। टीचर का रोल क्या रहेगा, तो डोमिनेटिंग, एक्टिव और ऑथोरिटेरियन रोल रहता है, जैसा टीचर कहती है बच्चे एज इट इज वैसा का वैसा करते हैं। तो यहाँ पर जो लर्नर है या स्टूडेंट्स हैं उनका रोल क्या रहेगा, उनका रोल पैसिव का रहता है, यानी कि वो ज्यादा नहीं बिल्कुल एक्टिव रहते ही नहीं है, तो उनका रोल क्या रहता है, पैसिव रहता है। मेमोरी लेवल की टीचिंग में जो अब जो लर्नर है वो पैसिव है, तो टीचर जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट करेगा बच्चे उसी तरह से मोटिवेट होंगे, तो जो मोटिवेशन का नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाह्य मोटिवेशन आ रहा है, बाहर से मोटिवेशन आ रहा है, वो अपने आप मोटिवेट नहीं है। अब मेमोरी लेवल की टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी आ जाती हैं, तो ये कई बार पूछ भी लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, एक मेंटल फैकल्टी की, मेंटल डिसिप्लिन की जो थ्योरी है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जब मैंने करवाया था तो वहां पर भी करवाई थी, वो थ्योरी इसमें आ जाएगी, जहां पर हम मेमोराइजेशन की बात करते हैं। थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म, यानी कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो बार बार वो प्रयास करवाता है, ठीक है, ड्रिल अभ्यास का वो यूज कर रहा है अपनी बिल्ली को, मतलब जो उसकी कैट है उसको सिखाने का जो भी व्यवहार उसको सिखाना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा जब कंडीशनिंग थ्योरीज हैं, जैसे पेवलो की कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग है, या स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वहां पर जब स्किनर क्या करता है, अपने रैट को एक ही व्यवहार को वो बार बार सिखाने की कोशिश करता है, तो ये कौन सी लेवल की थ्योरीज हैं, मेमोरी लेवल की थ्योरीज हैं ये, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि कंडीशनिंग की जो भी थ्योरीज हैं, या थॉर्नडाइक की थ्योरी है, या मेंटल फैकल्टी की जो थ्योरी है, ये कौन किससे रिलेटेड है, मेमोरी लेवल से रिलेटेड। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके द्वारा दिया गया है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, तो किसके द्वारा दिया गया है, मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, नोइंग द मीनिंग ऑफ थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि चीजें जो भी है, जो भी कॉन्सेप्ट है उनके पीछे का रीजन क्या है उसको जानने की कोशिश की जाती है, अंडरस्टैंडिंग एक समझ विकसित की जाती है। जो लर्नर होता है वो सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ग्रहण नहीं करता, उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता है, उसको उसके प्रति समझ बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, समझ के साथ वो चीजों को करता है, एज इट इज रट्टा नहीं लगा लेता। तो जो भी फैक्ट, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल होते हैं उनके पीछे क्या रिलेशनशिप है, उनको इंटरप्रेट करना, उनको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करता है, उनके प्रति समझ विकसित करता है, समझ के साथ वो काम करता है, ठीक है। मेथड्स की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन कौन से मेथड होते हैं, यानी कि टीचर कौन कौन से मेथड यूज कर सकता है बच्चों को समझाने के लिए, लेक्चर मेथड यूज कर सकता है, लेक्चर के साथ साथ वो डेमो भी दे सकता है किसी चीज के बारे में, डिस्कशन मेथड वो यूज कर सकता है बच्चों से डिस्कस करके, किसी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का यूज कर सकता है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल और रूल टू एग्जाम्पल का भी वो यूज कर सकता है, ठीक है। यानी कि किसी चीज को समझाने के लिए कई बार क्या करता है टीचर, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाता है, कई बार क्या होता है रूल से एग्जाम्पल की, तो दोनों तरह के मेथड बच्चों को समझाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लासरूम
क्लासरूम क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लासरूम का जो क्लाइमेट है यानी कि क्लास का जो वातावरण रहेगा वो किस तरह का रहेगा, बहुत ही लाइवली और इंक्रीजिंग रहता है, यानी कि इसमें जो टीचर होता है वो एक प्रोमिनेंट फिगर होता है, वो डोमिनेटिंग और ऑथोरिटेरियन नहीं होता है। अगर रोल ऑफ लर्नर की अगर हम बात करें तो उसका जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसका रोल क्या रहता है, बहुत पैसिव नहीं रहता है, वो टीचर को से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अपने जो डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का नहीं रहता कि भाई वो डरा सहमा बैठा हुआ है, पैसिव रोल हम नहीं कह सकते यहाँ पर लर्नर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग होती है वो बहुत ही हाई लेवल की टीचिंग होती है, यानी कि बहुत हायर लेवल होता है टीचिंग का। किसके द्वारा दिया गया है? हुंट के द्वारा, ठीक है, हुंट के द्वारा ये दिया गया है। इसमें जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होती है बहुत हाईएस्ट लेवल की होती है, इसमें जो है कॉन्सेप्ट्स या उनके एप्लीकेशंस को सिर्फ समझा नहीं जाता बल्कि हायर लेवल की मेंटल प्रोसेसेस इसमें शामिल होती हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, थिंकिंग, एनालाइज करना कॉन्सेप्ट्स को, इमेजिनेशन, थॉट्स और आइडियाज और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ बच्चे में हो जाता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग में इस तरह की सारी हायर लेवल की जो एक्टिविटीज होती हैं वो शामिल होती हैं। तो एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल है ये टीचिंग का, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है, जब रिफ्लेक्टिव लेवल की हम बात करते हैं तो इसके द्वारा बच्चों में इंसाइट डेवलप की जाती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व करें। इसके अलावा क्रिटिकल रैशनल थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चे में किया जाता है, साथ ही बच्चों में इंडिपेंडेंट थिंकिंग की एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज का भी डेवलपमेंट किया जाता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर पाए। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो ये जो लेवल है ये बहुत ही डायनेमिक और यूनिक होता है, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कोई वो नहीं होता, एकदम चेंजेबल होता है, डायनेमिक और यूनिक होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस टीचर के द्वारा दे दी जाती है और उनको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर पाए, ठीक है। मेथड्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं, यानी कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड और एनालिटिक मेथड्स का यूज इस लेवल में किया जाता है। अगर हम नेचर ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें, यानी कि मोटिवेशन का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो इंट्रेंसिक होता है, क्योंकि जो लर्नर होता है वो अंदर से मोटिवेट होता है, बाहरी मोटिवेशन नहीं होता, अंदर से वो मोटिवेट होता है। तो इसका मोटिवेशन का जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, इंट्रेंसिक, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर काम करती है। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को अगर साथ साथ कर लेते हैं तो उस कॉन्सेप्ट उस टॉपिक में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अ टीचर। द टीचर शुड, देखिए एक छात्र बिना किसी शिक्षक की मदद के एक समस्या को हल करने की कोशिश करता है। शिक्षक को चाहिए, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, एडवाइस हिम हर टू टेक हेल्प फ्रॉम हिज हर कलीग्स, यानी कि उसको अपने सहयोगियों से मदद लेने की सलाह देनी चाहिए। पे नो अटेंशन टू हिम हर, यानी कि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्कॉल्ड हिम हर फॉर फुलिसनेस, यानी कि उसको उसकी मूर्खता के लिए उसे डांटना चाहिए। अप्राइज हिम हर इंडिविजुअल एफर्ट्स, या उसको उसके व्यक्तिगत प्रयास का मूल्यांकन करना चाहिए, उसको अप्राइज करना चाहिए। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सोल्व करने की कोशिश करता है तो क्या करना चाहिए एक टीचर को, क्या उसको डांटना चाहिए या उसको ध्यान नहीं देना चाहिए या उसको कहना चाहिए कि अपने दोस्तों से सलाह ले ले, या उसके काम का जो है सराहना करनी चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, इवेल्यूएट करना चाहिए उसके काम को। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट होगा, अप्राइज हिम हर इंडिविजुअल एफर्ट्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, देखिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट है, इफेक्टिव टीचर्स आर स्ट्राइव टू मोटिवेट एंड एंगेज ऑल देयर स्टूडेंट्स इन लर्निंग, यानी कि प्रभावी शिक्षक क्या करता है, सीखने में अपने सभी छात्रों को प्रेरित करने और संलग्न करने का प्रयास करता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इन ऑर्डर टू फुलफिल ईच स्टूडेंट्स यूनिक डिमांड्स अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट इम्प्लॉय क्रिएटिव एंड न्यू टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि प्रत्येक छात्र की जो अनूठी मांगे हैं, यानी कि जो यूनिक डिमांड्स हैं हर इंडिविजुअल की, उनको पूरा करने के लिए जो एक कॉम्पिटेंट टीचर होता है, एक सक्षम शिक्षक को रचनात्मक और नई शिक्षण तकनीकों को नियोजित करना चाहिए। तो आपको इन दो स्टेटमेंट्स को पढ़कर क्या लगता है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते ही आप लोगों को ये लगता होगा कि भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि इफेक्टिव टीचर क्या करता है, मोटिवेट और इंगेज करता है, और एक जो कॉम्पिटेंट टीचर होता है वो क्या करता है,
क्रिएट करता है न्यू टीचिंग टेक्निक्स को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, ताकि जो इंडिविजुअलिटी क्लास में होती है, जो इंडिविजुअल डिमांड्स होती हैं हर स्टूडेंट की, उनको वो पूरा कर सके। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन इज, यानी कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है, ट्रायल एंड एरर मेथड, इमिटेशन मेथड, लेक्चर मेथड, प्लेवे मेथड। तो देखिए, छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, कौन सी विधि का यूज करेंगे, प्लेवे मेथड हम यूज करते हैं, छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डस, यानी कि एक टीचर को अगर उसकी क्लास में कोई प्रॉब्लमेटिक यानी कि समस्यात्मक बच्चा मिलता है तो उस टीचर को क्या करना चाहिए, सेंड द चाइल्ड बैक टू होम इमीडिएटली, यानी कि बच्चे को तुरंत उसके घर भेज देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, या प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, या बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या करेगी टीचर, प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, यानी कि उस बच्चे की वो काउंसलिंग करेगी, उसको परामर्श दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर इज लाइक अ बर्निंग लैम्प लाइटनिंग अदर्स एंड लर्निंग हिमसेल्फ, दिस आइडिया वॉज गिवन बाय, देखिए एक शिक्षक एक जलते हुए दीपक की तरह होता है जो दूसरों को तो रोशन करता है और स्वयं भी सीखता रहता है। तो यह जो विचार है ये किसके द्वारा दिया गया है, किस साइकोलॉजिस्ट किस स्कॉलर के द्वारा कही गई है ये बात, एस राधा कृष्णन, आर एन टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जे कृष्णमूर्ति। तो देखिए ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स विच बेस्ट ऑप्शन आर टीचर शुड अडॉप्ट, देखिए विद्यार्थियों में टीम भावना और सहयोगात्मक अधिगम के विकास के लिए एक शिक्षक को कौन सा सर्वोत्तम विकल्प अपनाना चाहिए ताकि बच्चों में क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग और टीम स्पिरिट की भावना का डेवलपमेंट किया जा सके। उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, asking them to follow the written instructions for teamwork, यानी कि teamwork के लिए जो written instructions है वो follow करनी चाहिए, कंडक्टिंग फील्ड विजिट्स यानी कि क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, आस्किंग स्टूडेंट्स टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चंस, यानी कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले छात्रों से आपस में चर्चा करने के लिए कहना, या कंडक्ट ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज को कंडक्ट करना चाहिए ताकि बच्चों में टीम स्पिरिट और कोऑपरेटिव लर्निंग का डेवलपमेंट किया जा सके। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, Morrison has described 5 steps in his teaching model at understanding level, which are presentation, exploration, organization, assimilation, recitation. देखिए Morrison ने teaching का understanding level दिया है, यानी कि understanding level की जब हम बात करते हैं तो वो किसके द्वारा दिया गया है, Morrison के द्वारा दिया गया है। उन्होंने जो है उस मॉडल में 5 स्टेप बताए हैं टीचिंग के, कौन कौन से, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, असिमिलेशन, रेसिटेशन। तो इनकी करेक्ट सीक्वेंस आपको बताने है कि कौन सी सीक्वेंस करेक्ट रहेगी, आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, एक्सप्लोरेशन यानी कि सेकेंड आएगा, उसके बाद क्या करता है, प्रेजेंटेशन आपका फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद असिमिलेशन, ठीक है, फोर्थ आ जाएगा, उसके बाद ऑर्गेनाइज करता है, थर्ड आ जाएगा, और उसके बाद रेसिटेशन आता है, आपका फिफ्थ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बनेगी, आप इस सीक्वेंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन आपका सही है, यानी कि पहले सेकंड, तो सेकंड दो में है, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन द लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि किस स्तर में सोचने की क्षमता शिक्षण में भूमिका नहीं निभाती, यानी कि किस लेवल में जो है थिंकिंग एबिलिटी का यूज नहीं किया जाता। 3 लेवल हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। हाईएस्ट लेवल तो है ही नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ही हाईएस्ट लेवल की टीचिंग होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल में ही। तो देखिए रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों लेवल ऐसे हैं जहां पर थिंकिंग एबिलिटी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा यूज करता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, और अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग होती है उसमें भी बच्चा समझ के साथ, कॉम्प्रिहेंड के साथ काम करता है। तो किसमें थिंकिंग एबिलिटी का प्रयोग नहीं किया जाता, मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है उसमें थिंकिंग एबिलिटी का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि बच्चे को जो कुछ पढ़ाया जाता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो उसको एज इट इज याद कर लेता है, रट लेता है।
तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मेमोरी लेवल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म का। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज या फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन।